अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट या आर करेक्ट, यानी वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. C2 नेगेटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक. अब देखिए C2 मैं वैसे कर लेता हूं डायरेक्ट, 7 कार्बन में प्लस 7 प्लस 2 16, सॉरी कार्बन में कितना होता है आपका 6, यानी 6 प्लस 6 प्लस 2 नेगेटिव यानी 14 इवन है, यानी ये है डायमैग्नेटिक, यानी ये सही है. O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड देन O2. अब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 2, यानी ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी ये फॉल्स हो जाएगा. N2 2 प्लस एंड N2 नेगेटिव है सेम बॉन्ड ऑर्डर. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए N2 7 प्लस 7 माइनस 1 यानी N2 2 प्लस में 13 एंड N2 माइनस में कितना होगा 7 प्लस 7 प्लस 1 यानी 15. नाउ 14 के लिए 3 होता है, 13 के लिए 2.5, 15 के लिए 2.5 यानी सही है, ट्रू. डी में देखिए HE2 has the same energy as two isolated HE atom. अगेन गाइज ये भी आसानी है, आपको मैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो होगा 0.5 MOT से निकाल लें. नाउ गाइज जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के. यानी क्या हुआ देखिए, जैसे ये बॉन्ड ऑर्डर यानी जैसे ही HE2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो क्या हुआ, जैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया बॉन्ड एनर्जी कम हो गई. बॉन्ड ऑर्डर देखिए, दो HE थे, दो HE जुड़े, इनकी एनर्जी कुछ थी, लेकिन इन्होंने बॉन्ड बनाते ही इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई. राइट, ये इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई यानी ये सेम नहीं है. राइट, सो ये भी फॉल्स है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, A एंड C. राइट,